बढ़कर उनका स्वागत करें। मंच पे माननीय प्रदीप जी उनको मंच पे ले आए। माननीय गंगा प्रसाद मौर्य जी माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। कहना है कि फूलों ने अमृत का जाम भेजा है, मौसम ने भी गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आप सबको ये शाम, हमने तहे दिल से ये पैगाम भेजा है। आप सबके स्वागत सम्मान में कुछ चंद्र पंक्तियां हमारी तरफ से। कि अपने आंगन में किसी के यहाँ, ये हमारे देश की परंपरा रही है, अतिथि देव भव, मातृ देव भव, पितृ देव भव। तो हमारे यहाँ अतिथि आते हैं तो उनको भगवान जैसा माना जाता है, वो सत्कार किया जाता है। कि अपने आंगन में आ साथी मन में स्वागत करेंगे श्रीमन। अपने आंगन में आ साथी मन में स्वागत करेंगे श्रीमन। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। अपने आंगन में आ साथी मन में स्वागत करेंगे श्रीमन। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। अपने आंगन में आ साथी मन में स्वागत करेंगे श्रीमन। अपने आंगन में आ साथी मन में स्वागत करेंगे श्रीमन। जोरदार तालियों से नितेश निषाद धर्मापुर, नितेश निषाद जी, युवा समाज सुनील मौर्य जी, सागंज संदीप मौर्य खेतासराय, राकेश मौर्य तरियारी सरकोनी, हमारे सरकोनी विधानसभा में लगभग युवा प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा सहयोग प्रदान किए हैं। उमेश मौर्य सरकोनी, रमेश मौर्य ब्यूरो चीफ दस्तक 24 न्यूज के, माननीय रमेश मौर्य जी ब्यूरो चीफ दस्तक 24 जो युवा समाज के भी हमारे साथ लगभग कई क्षेत्रों में काम किए हैं। सूरज मौर्य पदमपुर, राजमंगल मौर्य जफराबाद। हम चाह रहे हैं कि माननीय ब्यूरो चीफ की तरफ से, रमेश मौर्य की तरफ से,
उनको सम्राट अशोक की तस्वीर भेंट की जा रही है। अब हम चाहेंगे माननीय रामचंद्र नागर जी सम्मान के लिस्ट में सूरज मौर्या पदमपुर, माननीय सूरज मौर्या पदमपुर समाज युवा समाज सेवी माननीय पूनम मौर्या जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए भी माननीय राजमंगल मौर्या जफराबाद, माननीय छेदीलाल मौर्या के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय छेदीलाल मौर्या जी, कल दे देना ग्राम सभा दुरारी खलीलपुर से युवा समाज सेवी हमारे बड़े साथी माननीय संदीप मौर्या जी, माननीय संदीप मौर्या जी युवा समाज सेवी सोमनाथ चौधरी जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए रूपचंद मौर्या युवा समाज सेवी हैं और इस समय यहाँ हमारे कार्यक्रम में सहयोग भी कर रहे हैं। हम चाहेंगे माननीय डॉक्टर हीरालाल मौर्य द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए ब्रिजेश मौर्य धर्मापुर सलमान सद्दू सलमान जी युवा समाज सेवी जो हमारे मिशन संरक्षक और गार्जियन माननीय रामजीवन जी के द्वारा सम्मान प्राप्त करते हुए माननीय सद्दू सलमान जी हमारे लोकमंगल दल कार्यक्रम में भी सहयोग करते हैं। धर्मेंद्र भारती अब हंसित जी कहीं जाएंगे इस वजह से कार्यक्रम में थोड़ा सा प्रगति और मौसम भी खराब होने के नाते अब मंच की तरफ हम अग्रसर होंगे। और आज बहुत अच्छा लगा, अपने घर में मैं सम्मानित हो रहा हूँ और हमारे भाई राजीव रत्न मौर्य जी उस लायक हमें समझे। हमारे बीच माननीय लोकमंगल दल अध्यक्ष माननीय प्रदीप मौर्या जी कृपया मंच पे आ जाएं। हमारे बीच में लोकप्रिय कलाकार माननीय श्री रामचंद्र नागर जी को माल्यार्पण और सिद्ध देकर माननीय लोकमंगल दल अध्यक्ष माननीय प्रदीप मौर्य जी सम्मानित करें। लगभग कार्यक्रम समाप्ति की तरफ बढ़ता हुआ जो आदरणीय गुरु जी के द्वारा नविकों का प्रसेन मौर्या देरवा इशोक सुनील मौर्या जी संरक्षक लोकमंगल दल चंदन मौर्या बुलाया गया उनको लोकमंगल दल महासचिव माननीय चंदन मौर्या जी कृपया आप मंच पे आ जाएं। माननीय संजय जी के द्वारा एक डायरी भेंट करते हुए ये डायरी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है समाज की, समाज को एक अच्छा और सुसज्जित समाज देने का, देश का गौरव और सम्मान बढ़ाने का एक जिम्मेदारी है। जोरदार तालियों से इनका सम्मान करें, स्वागत करें। आने वाले समय के भविष्य के लीडरशिप और स्वतंत्र नेतृत्व इस देश के माननीय संजय मौर्या जी के द्वारा जो वर्तमान आदरणीय गुरु जी हमारे एक दार्शनिक गुरु जी के द्वारा ये दिया जा रहा है, ये गार्जियन के द्वारा एक जिम्मेदारी भेंट की जा रही है जिसके द्वारा ये एक टीम वर्क करें, समाज के साथ युवाओं को जोड़ने का काम, छात्र संगठन में सामंजस्य, संविधान और लोकतंत्र को सुरक्षित करने का कार्य करें। भैया जी हमारे बीच में माननीय नीरज मौर्या जी पूर्व सभासद हमारे बीच में पधारे हैं, हम उनका लोकमंगल दल
की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। चाहेंगे कृपया मंच पे आए, माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा उनको शील्ड देकर कार्यक्रम में सम्मान करते हुए तहसील और विधानसभा और जिले से लेकर प्रदेश स्तर तक एक सुसज्जित समाज का स्थापना करने का संकल्प ले रहे हैं। मुकेश बदलपुर चंदन भाई लोकमंगल दल के महासचिव, कृपया हम चाहेंगे कि आप मंच पर आए, मौजूद रहिएगा। और इसी के साथ राकेश मौर्य जी का एक गीत होगा। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, आज ये युवा समाज सेवियों का सम्मान समारोह लोक मंगल दल के द्वारा जो किया गया और ये जो कार्यक्रम में आज देखने को मिला है, तो भारत की लोक संस्कृति है, ये हमारी पहचान है। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहीं का गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। रमाकांत मौर्य भाई जी के द्वारा इस देश के नाम पर एक प्यारा सा पैगाम हमारे लिए आया हुआ है, कुछ आवर्धन आया हुआ है 50 रुपए का, तो स्वागत है भैया और शुक्रिया अदा करते हैं। माननीय मंगला प्रसाद मौर्य मछली शहर से इस कार्यक्रम में पधारे हुए हैं, आपकी तरफ से 100 रुपए का उत्साहवर्धन मेरे लिए आया हुआ है, तो शुक्रिया अदा करते हैं भैया, स्वागत है। Hey, please, please.
की गुनगुनाना चाहूंगा हम सभी सभी साथियों के लिए, विशेष करके नव युवक भाइयों के लिए, कि भारत वीरों उठो फिर दोबारा, हिमालय ने पुकारा, लगा दो बाजी जाने, तुमको देता हूँ कसम अशोक महान की। भारत वीरों उठो फिर दोबारा, हिमालय ने पुकारा, लगा दो बाजी जाने, तुमको देता हूँ कसम अशोक महान। हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अधिकृत अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। नमो बुद्धाय।